ब्रिगेड को समझौता करने वाले बने दबाव के जान से मारने की धमकी दी है। हुटार के बाग में हवन के आम की लकड़ियां लेके गए थे और एक दलित युवक ने कुछ दबंगों को बुरी तरह हार मार पीट की है और घायल कर दिया गया है। युवक ने बचाने के आए गांव के अन्य व्यक्तियों को भी दबंगों ने लात घूंसे पीटा है और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए हैं और पुलिस ने तहरीर देने के लिए दिन पर 10 दिन के बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मामला हुटार के थाना क्षेत्र के गांव बेला का है, जहां पर अमित शुक्ला के यहां पर सरस्वती जनपद के पीलीभीत गांव के नवदीलिया लक्षण के किसी सेक्शन के चंद्रपाल के पशुओं के चारा डालने का काम करता था। वह केशन के एसपी के एक प्रार्थना पत्र भी बताया था। 30 अगस्त दोपहर 1 बजे के अमित यहां के हवन होने के कारण पास के आम में सूखी हुई लकड़ियां लेने गया था कि तभी गांव वक्त बेला महेंद्र राम निवास और अनिल के प्रतिब आ गए। तो जब सूचक की गालियां उठाते हुए लकड़ियां फेंकने लगे और ट्रैक्टर के विरोधों में रविंदर ने उसके ऊपर धारदार दांती से हमला कर दिया। पिताजी को नाम कौन गाँव रहा थाना तुम्हारा कौन सा पड़ा जिला पीलीभीत किसके यहाँ काम करता हो अमित शुक्ला यहाँ बेला। अच्छा उनके पिताजी को नाम कमलेश शुक्ला जी। अच्छा कहाँ गए रहो तुम लकड़िया लेने हवने के लिए। तो फिर कब हो हवने के लिए लकड़िया लेने गया अनिल डब्बो भाई महेंद्र राम निवास प्रदीप आए तो ये गरियान लगे कहीं निखट गया गरियाने के बाद ये हमारे ऊपर दराती चलाई। किन्ने चलाई राम निवास। अच्छा दराती चलाए दराती के बाद जो हमारे जेल लग गई इधर पान लगी पान लगे के बाद फिर बहुत लातन मारो भूषण मारो फिर डंडन मारो ठीक लातन भूषण मारो डंडन मारो फिर उसके बाद हमने हाँक दे बहुत तेज बचाई लो तो इन पर बिंद पर इन्हें बहुत मारो डंडन लातन भूषण ठीक उसके बाद फिर भाई चले गए गरिया घर मैं तुम्हें देख ली तुम्हें हम गए थाने ठीक थाने गए रिपोर्ट लिखवाए का रिपोर्ट के बाद घर आए ठीक ठीक घर आए फिर भाई हमारे घर गए घर के बाद फिर उन्हें कही वापिस ले लो रिपोर्ट उन्होंने कही 10 दिन के अंदर अंदर गोली मार दी तुम्हारे काहे मार दी का रिपोर्ट वापिस कर लो। अच्छा इसलिए अगर लाइक ना कर रहे तो गोली मार दी 10 दिन के अंदर। अच्छा तो ठीक है कौन कौन को रहा है घर धमकी दें महेंद्र अनिल प्रदीप और राम निवास। अच्छा ठीक लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।